हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्दी मेकअप ट्यूटोरियल की सीरीज लेके आने वाली हूँ, मतलब ए टू जेड में सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। तो यस, ये मेकअप ट्यूटोरियल का फर्स्ट स्टेप है। मतलब ट्यूटोरियल वीडियोस तो मैंने पहले भी एक दो बनाई हैं, लेकिन अब से मैं प्रॉपरली वीडियो डालूंगी। मतलब जो भी मेकअप कोर्स आप कह सकते हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ए टू जेड, आपको जो भी होता है मेकअप में, मैं जितना मैं जानती हूँ मैं सब आपको बताऊंगी। और मैं अपना 200% दूंगी कि आप सब सीख जाओ। अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आप ज़रूर सीख जाओगे। कम से कम अपना मेकअप तो आप खुद कर लोगे, क्योंकि कभी भी होता है, आजकल तो मतलब इतना फैशन है सबको अच्छा दिखना होता है। तो जब भी कभी कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो हम सोचते हैं भले थोड़े से पैसे खर्च हो जाए पर हमें अच्छा दिखना है। तो जो लोग मेकअप करवाते हैं उनको पता है कि कितना पैसा लगता है, कितना पैसे खर्च हो जाते हैं। मैं, आपने देखा होगा, मैंने अपनी सिस्टर का बहुत सारा हेयर स्टाइल बनाया है, बहुत सारा मेकअप लुक क्रिएट किया है। तो अभी रिसेंटली हमने क्रियांस का बर्थडे पार्टी अटेंड किया था, तो वहाँ पे ना शाम को अचानक से बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, मतलब जल्दी जल्दी हो गया जाने का। तो हमने सोचा कि पार्लर से दो लोग आए थे, तो हमने सोचा कि चलो हेयर स्टाइल इनसे करवा लेते हैं और मेकअप मैंने सोचा कि मैं कर लूँगी। और हेयर स्टाइल में भी हम अपना हेयर एसेसरीज जो भी होता है वो हम लेके गए थे, मतलब अपना बन खुद ही लेके गए थे और हेयर एसेसरीज जो भी फ्लावर वगैरह होता है सब लेके गए थे। तो हमने सोचा कि चलो ये सब हम उनको दे देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो उन्होंने ना आगे के पार्ट का इतना सिर्फ कर्ल किया था, बाकी बन वन तो पूरा बना हुआ हम खुद ही लेके गए थे और उसका उन्होंने 500 चार्ज किया। तो मैं यही सोच रही थी कि अपने हाथ में गुण होने का कितना फ़ायदा है, नहीं तो ऐसे छोटी सी चीज़ के लिए हमें 500 पे करना पड़ा। डेली डेली हम खुद से कितने अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल, कितना मेकअप कर लेते, वही अगर हम करवाने जाते तो अब तक कितने पैसे खर्च हो गए होते। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना आप सबको भी ये पता हो, ताकि आप दूसरों का छोड़ो, कम से कम खुद का बहुत अच्छा जैसा आप चाहो वैसा मेकअप कर सको। तो इसीलिए मैं ये कोर्स स्टार्ट करने जा रही हूँ, ताकि आप सीख के कम अपना, अपने फैमिली मेम्बर्स का तो अच्छे से उनको रेडी कर सको। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको पहले ही वार्निंग दे दूं कि ये वाली वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं सिर्फ बकबक बकबक बोल दूं, बता दूं आपको, आपको समझ में आए ना आए, सिर्फ बोल के मैं चली जाऊं। ऐसा नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, उसके बेनिफिट्स भी बताऊँ। क्योंकि क्या होता है ना, जब हमें किसी चीज़ का बेनिफिट पता होता है ना, तो थोड़ा करने में भी उसको इंटरेस्ट आता है, लगता है कि नहीं ये चीज़ करूँगी तो ये चीज़ अच्छी हो सकती है। तो इसलिए मैं उसके बेनिफिट्स भी बताते ही चलूँगी कैसे करना है। तो मैं चाहती हूँ मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँ और आप लोग भी अच्छे से सुनना। और मैं तो बोलूँगी कि अगर हो सके तो आप इसके नोट्स बना लो, ताकि नोट्स रहेंगे तो आप कभी भी कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो आप उसमें देख सकोगे। तो मेकअप का फर्स्ट पार्ट, मेकअप का ही नहीं, ये हमारे डेली रूटीन में भी हमें शामिल करना चाहिए। बहुत लोग करते भी होंगे, जो नहीं करते हैं तो आप भी करिए। ये जो भी मैं बताने जा रही हूँ, CTM जो होता है वो मेकअप का फर्स्ट स्टेप होता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। और वो हमें मेकअप से पहले ही नहीं, हमें रेगुलरली करना चाहिए, हो सके तो दिन में 2 बार करना चाहिए। मैं तो 2 बार करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम एक बार नहाते हैं तो हो जाता है मॉर्निंग में, फिर मैं नाइट स्किन केयर रूटीन भी करती हूँ, जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में देखी है। तो मेरा 2 टाइम होता है, कभी कभी ये होता है बाई चांस कि एक बार करती हूँ मैं, बाकी दिन में 2 टाइम हो जाता है। और आप भी चाहो तो 2 टाइम कर सकते हो, करना चाहिए आपको, ऐसे कुछ है नहीं, इतना कुछ बड़ा नहीं है, आप चाहो तो इजीली कर सकते हो। तो CTM का मतलब ये होता है, CTM का फुल फॉर्म होता है क्लिंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग। सी फॉर क्लिंजिंग, टी फॉर टोनिंग और एम फॉर मॉइस्चराइजिंग। ये 3 स्टेप जो होते हैं वो हमारे फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये आपको करना चाहिए अगर आपको एक हेल्दी अच्छी ग्लोइंग स्किन चाहिए, तो ये चीज़ें मस्ट है, मस्ट। तो मैं आपको बता दूँ, क्लिंजिंग का मतलब होता है कि आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन करते हो, ताकि आपके फेस में जो भी इम्प्योरिटीज़ है, जो भी डस्ट है, वो क्लीन हो जाए अच्छे से। तो क्लिंजिंग के लिए मैं रेगुलरली तो ये फेस वॉश यूज़ करती हूँ, पोन्स का है ये, रेगुलरली मैं यूज़ ये वाला यूज़ करती हूँ। बट अगर मुझे कभी मेकअप करना होता है, मतलब कभी वीडियो शूट करने के लिए मेकअप वगैरह, थोड़ा हैवी मेकअप करना होता है, थोड़ा हैवी नहीं, मतलब कभी भी मेकअप करना होता है, तो मैं ये लोटस का डीप क्लिंजिंग यूज़ करती हूँ। ये डीप क्लिंजिंग है, ये जो भी आपकी फेस की इम्प्योरिटीज़ होती है वो डीपली क्लीन करता है। तो इस वजह से मैं इसको रेगुलरली नहीं यूज़ करती, रेगुलरली तो मैं यही यूज़ करती हूँ। बट जब कभी मेकअप वगैरह करना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि जब मैं मेकअप करूँ तो मेरा मेकअप जो है वो फ्लॉलेस दिखे और अच्छा दिखे, मतलब लॉन्ग लास्टिंग हो, तो इसके लिए आपका फेस अच्छी तरीके से क्लीन होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम कुछ स्टार्ट करते हैं, कहीं पे भी नेल्स हो या कहीं पे भी स्टार्ट करते हैं, तो उसको अच्छे से पहले क्लीन करते हैं, ताकि जो आप लगा रहे हो वो अच्छे से निखर के आए।
तो क्लिनजिंग मैं ऐसे करती हूँ, रेगुलर फेस वॉश मेरा ये है, और जब भी मेकअप करना होता है तो मैं ये यूज़ करती हूँ, और इसको मेकअप रिमूव करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया क्लिनजिंग। तो उसके बाद क्लिनजिंग के बाद आता है टोनिंग। टोनिंग से मतलब जब आप टोनिंग करते हो फेस का, तो जो जितने भी आपके ओपन पोर्स होते हैं, जो कि सबके ही फेस पे होते हैं ऑलमोस्ट, तो जो भी आपके ओपन पोर्स होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं, वो टाइट टाइट से हो जाते हैं, तो जो ऑयल आपके फेस से निकलता है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ऑयल और पसीना दोनों ही थोड़ा सा कम हो जाता है। और सबसे पहले तो मैं बता दूँ, एक छोटा सा बीच में मैं ये ऐड ऑन करना चाहूँगी कि अगर गर्मियों का सीज़न है ना और आपके पास आइस क्यूब अवेलेबल है, तो आप डेली फेस को सुबह उठ के उससे मसाज करो, उससे भी जो आपके ओपन पोर्स होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं, तो इसकी वजह से ऑयल जो भी निकलता है फेस से वो थोड़ा कम हो जाता है। ये स्पेशली ऑयली लोगों के लिए तो ज़रूरी, उनको ये करना चाहिए। अगर आइस क्यूब नहीं भी अवेलेबल है तो ठंडा पानी से आप बहुत देर तक ऐसे फेस पे पानी को स्प्लैश करो। टोनिंग से क्या होता है ना, हमारा फेस जो होता है वो हाइड्रेटेड रिफ्रेश फील करता है। क्लिनजिंग के बाद टोनर यूज़ करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इससे हमारा फेस थोड़ा सा रिफ्रेशिंग, थोड़ा सा ग्लोइंग हो जाता है। तो मैंने फेस वॉश तो पहले कर लिया था, फेस वॉश करने के बाद मैंने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे आप लोग को दिखाना था कि कैसे क्या कर रही हूँ मैं। सिर्फ मैंने आईब्रोज थोड़े से फिल कर लिए थे, बिकॉज आई हैव टू लुक गुड। तो अभी मैंने फेस वॉश कर लिया था, मैं टोनिंग अभी मैं स्प्रे करने जा रही हूँ। बहुत तरह के टोनर आते हैं मार्केट में, आप कोई सा भी अच्छा वाला यूज़ कर सकते हो। मैं अभी ये ब्लू हेवन का रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसको यूज़ करने का रीज़न ये है कि एक तो ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, इसका प्राइस 70 रुपीज़ का है। ये नायका पे अगर आप ऑफ़र वगैरह में लेते हो तो हो सकता है कि 2-4-10 रुपये और सस्ता मिल जाए आपको, बाकी ये 70 रुपीज़ का। इसके पहले मैंने लैक्मे का भी यूज़ किया है टोनर, वो आई थिंक 230 या ऐसे कुछ था, बट आप बिलीव नहीं करोगे उससे इसका प्राइस बहुत कम है, बट मेरे को ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसको लगाने के बाद ना फेस थोड़ा हाइड्रेटेड सा फील होता है, रिफ्रेश सा। तो अभी मैं इसको अप्लाई करने जा रही हूँ। बहुत लोग होते हैं कि टोनर अप्लाई करने के बाद इसको एज इट इज ही छोड़ देते हैं कि ये खुद से सूख जाए। नहीं, आप बहुत लोग इसको मसाज भी करते हैं, बट मैं मसाज नहीं करती, मैं ऐसे 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 डैप ताकि अच्छे से ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, ऐसे टैप टैप करने से। इसको ना छोड़ना नहीं है बिल्कुल, मतलब ऐसे नहीं कि स्प्रे करके छोड़ दिया, क्योंकि हमारे फेशियल हेयर जो होते हैं उस पर ज़्यादातर जो भी होता है टोनर उस पर रुका होता है, तो जब हम छोड़ देते हैं तो वो ऊपर से ही ऊपर उड़ जाता है। टोनर के भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो घर पे ही अपना टोनर बनाते हैं, रोज़ वाटर बनाते हैं, आप वो भी कर सकते हो। आप कोई सा भी टोनर यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती, बस हाँ उसकी उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है ये आपको देखना चाहिए, मतलब कोशिश करना चाहिए कि अच्छी चीज़ें ही अपनी स्किन के लिए लें। तो अभी मेरा टोनर बहुत अच्छी तरीके से मेरे स्किन में एब्जॉर्ब हो चुका है। तो टोनर ऐसे हमको अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आता है CTM में लास्ट पार्ट होता है M, मतलब मॉइस्चराइजिंग का। मॉइस्चराइज़र तो लगभग सारे लोग यूज़ करते होंगे, अगर नहीं यूज़ करते हो आप तो यूज़ करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मेरे हिसाब से मॉइस्चराइज़र इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर योर स्किन। अगर आपको अच्छी स्किन चाहिए तो आप अपने डेली रूटीन में मॉइस्चराइज़र को ऐड कर लो, चाहे कुछ भी स्किप कर लो, लेकिन मॉइस्चराइज़र मत करना। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगी, जैसे कोई प्लांट है वो सूख रहा है, जब आप उसमें पानी डालते हैं ना तो बहुत तरोताज़ा हो जाता है, वो खिल जाता है, तो मॉइस्चराइज़र वही पानी का काम करता है हमारी स्किन के लिए। जो भी रूखी सूखी या हाइड्रेटेड नहीं होती है ना हमारी स्किन, मॉइस्चराइज़र उसी का काम करता है। जब हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो हमारी स्किन अंदर से हेल्दी होती है, ग्लोइंग होती है बहुत। अगर आपको ग्लोइंग हेल्दी अच्छी स्किन चाहिए तो मॉइस्चराइज़र मस्ट है, मस्ट। अब मॉइस्चराइज़र कई तरीके का होता है, मतलब हर किसी का फेस अलग। अभी मैंने ना फ़ैन सब कुछ बंद कर रखा है ताकि वॉइस मेरी क्लियर जाए, इस वजह से मुझे पसीना हो रहा है। तो मॉइस्चराइज़र हर स्किन टाइप के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि मेरा जो है वो कॉम्बिनेशन स्किन है, टी जोन में मेरा ऑयली है, बाकी जगह पे ड्राई होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका कम्प्लीटली ड्राई स्किन होता है, बहुत लोग होते हैं जिनका कम्प्लीटली ऑयली स्किन होती है। तो आपको मॉइस्चराइज़र जो चूज़ करना है अपनी स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ करना है।
मैं अभी ये रियाटिक का मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये वाला तो है वो सारे स्किन के लिए है, फॉर ऑल स्किन टाइप्स, मतलब ऑयली वाले भी यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन वाले भी यूज कर सकते हैं और ड्राई स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं। सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरी तो बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, मैं मॉइस्चराइजर लगाऊंगी तो और ज्यादा ऑयली हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मॉइस्चराइजर बहुत ऑयली होता है। तो ऐसा नहीं है, हर स्किन टाइप के लिए अलग अलग मॉइस्चराइजर अवेलेबल होता है मार्केट में। जैसे जिसकी अगर बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो उसको कोशिश करना चाहिए कि ऑयली मॉइस्चराइजर, मतलब थोड़ा ऑयल बेस्ड ही मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करे, नरिश करे। जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है उनको वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए, जिसको अप्लाई करने के बाद थोड़ा भी ऑयली ऑयली सा ना रहे। मतलब मैं आपको फॉर एग्जांपल ये दिखाती हूँ, ये एक पॉन्ड्स का है, ये वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर सुपर लाइट जेल। मैं ये यूज़ नहीं करती, बट माय सिस्टर हैज़ ऑयली स्किन, तो मैंने ट्रायल के लिए ये मंगवाया था छोटू सा पैक कि मैं देखूँ। जब आया था तो मैंने सोचा था कि मैं देखूँ ये कैसा है। एक भौरे ने मुझे कब से परेशान किया, आप लोग देख रहे होंगे वीडियोज़ में बार बार आ रहे, उसको भी शायद कैमरे में आने का बहुत शौक है बाय द वे। तो जितने भी ऑयली स्किन वाले हैं तो वो इस तरह, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही प्रोडक्ट यूज़ करोगे पॉन्ड्स का। मैं जस्ट फॉर अ रेफरेंस ये मैं यूज़ कर रही बता रही हूँ आपको कि ये सुपर लाइट जेल है, ये वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है। इसको लगाने के बाद ये तुरंत ही एकदम ड्राई सा हो जाता है, मतलब आपकी स्किन को ये हाइड्रेट भी करता है, मॉइस्चराइज भी करता है और आपकी फेस पे थोड़ा सा ऑयली भी नहीं लगता। ये बिल्कुल ही ड्राई हो जाता है क्योंकि ये वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है, बिल्कुल ड्राई हो जाता है एकदम, मतलब मैट फिनिश देता है आपको। तो ऑयली स्किन वाले ये यूज़ कर सकते हैं, बाकी ऑयली स्किन वाले ये भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये ऑयल स्किन टाइप है। बट मैं यही बोलूँ क्योंकि ये मैं जब लगाती हूँ तो थोड़ा सा ऑयली ऑयली सा फील होता है मुझे, तो ऑयली स्किन वालों को तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी। वो इस तरीके का कोई भी वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। बाकी बायोटेक का जिनका ड्राई स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है या सेंसिटिव स्किन है वो यूज़ कर सकते हैं, बस ऑयली स्किन वालों को मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी। मैंने सुना है सेटाफिल का भी बहुत अच्छा है मॉइस्चराइजर, तो ये वाला बॉटल जब ख़त्म हो जाएगा तो नेक्स्ट मैं सेटाफिल का ही ऑर्डर करने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे ये मॉइस्चराइजर पसंद नहीं है, मतलब मुझे ये मॉइस्चराइजर बहुत पसंद है, मुझे जेन्युइनली मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है जब मैं ये यूज़ कर रही तो। लेकिन जस्ट फॉर ट्रायल कि सेटाफिल का हो सकता है कि इससे भी अच्छा हो, इससे थोड़ा सा महंगा आता है सेटाफिल का। ये बाय द वे ये वाला मॉइस्चराइजर भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है, मैं आपको बताती हूँ। जब मैंने इसका प्राइस देखा तो मैं शॉक्ड हो गई कि इतना अच्छा प्रोडक्ट इतने कम प्राइस में। ये 220 का ही है, ये सेटाफिल का इससे थोड़ा सा बस महंगा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा महंगा है, पर मैंने सुना है कि सेटाफिल का भी बहुत अच्छा होता है। तो ट्राई करने के लिए ताकि मैं आप लोगों को भी सही सजेशन बता सकूं, तो नेक्स्ट टाइम मैं सेटाफिल का मंगवाने वाली हूं। फिर मेरे को दोनों में से जो ज़्यादा बेटर लगेगा तो मैं उसको आगे कंटिन्यू करूँगी। मॉइस्चराइजर यूज़ करने का भी मैं तरीका आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मॉइस्चराइजर लगा के आप अपने स्किन में एक अच्छा सा मसाज दे सकते हैं, स्किन को मसाज कर लेना चाहिए। टोनर के टाइम पे मैंने नहीं बोला था कि आप मसाज करो क्योंकि मैं वैसे टैप टैप करती हूँ। बाकी मॉइस्चराइजर जब आप अप्लाई करते हो तो आप अपने फेस पे मसाज कर लीजिए ताकि जो भी ब्लड सर्कुलेशन है आपके फेस का वो सही हो जाए। इससे आपकी स्किन ग्लोइंग, जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है तो स्किन ग्लोइंग दिखती है और फेस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप इसको 2 मिनट मसाज कर सकते हैं। अभी गर्मी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस वजह से मैं जो क्वांटिटी है मॉइस्चराइजर की वो थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ, बाकी विंटर सीजन में ज़्यादा मेकअप से पहले आप जितने अच्छे से सीटीएम करते हैं, मतलब जितने अच्छे से अपने स्किन को प्रिपेयर करते हैं मेकअप के लिए सीटीएम करके, उतना ही अच्छा आपका मेकअप होता है और उतना ही लॉन्ग लास्टिंग और स्मूथ मेकअप होता है। जो मेकअप का फर्स्ट स्टेप होता है सीटीएम, इसके बारे में आई होप कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा और आप लोग को भी अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा
कि ये मेरी वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही या नहीं। और जो लोग भी ये CTM फॉलो नहीं करते हैं, आप प्लीज़ इसको फॉलो करिए, क्योंकि अगर आपको अच्छी स्किन चाहिए तो ये मस्ट है। और ऐसा कुछ करना भी नहीं है, नाम से भारी भरकम सा लगता है कि एक पूरा सा मतलब प्रोसेस करना है, पर ऐसा नहीं है। जब भी आप नहाते हो, दो बार नहीं तो कम से कम एक बार ही कीजिए, क्योंकि नहाते हो तो ऑटोमेटिकली आप अपना फेस वॉश तो करते ही हैं, बस आपको क्या करना है, एक टोनर यूज करना है, स्प्रे कर लेना है, बस 2 मिनट उसमें लगे, और मॉइस्चराइजर यूज करना है। और अगर आप चाहते हो तो मॉइस्चराइजर के थोड़ी देर के बाद आप सनस्क्रीन लगा सकते हो। तो आप डेली ये कर सकते हो, अगर आपको अच्छी स्किन चाहिए तो इतना तो कर ही सकते हो आप, और कुछ नहीं करना है। वैसे भी आप फेस वॉश करके आते हो तो कोई क्रीम तो लगाते ही होंगे आप डे टाइम में, मतलब घर में भी लोग लगाते ही हैं, तो ऐसा करने से आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जब भी हमें मेकअप स्टार्ट करना होता है तो हम CTM पहले करते हैं, या रेगुलर भी आप कर सकते हैं, और हम तो करते हैं, आप भी कर सकते हैं, नहीं कीजिए अगर आपको अच्छी हेल्दी ग्लोइंग स्किन चाहिए तो। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लंबी हो गई है, बट आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अच्छे से इसको नहीं सुनेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा दूँ, सिखा दूँ, ताकि आप अपना अपने फैमिली का अच्छे से मेकअप कर सको। आप मेरी वीडियो देख के अगर आप सीख पाओगे, मेकअप अच्छे से कर पाओगे, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो ये वाली वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, बाकी आगे मेकअप ट्यूटोरियल का जो भी है सीक्वेंस में आता रहेगा, पर रेगुलरली मेकअप ट्यूटोरियल ही नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली रेगुलर मैं व्लॉग भी डालती हूँ, तो रेगुलरली मेरे डेली व्लॉग्स ही आएंगे। बाकी बीच बीच में हफ्ते में एक दो या तीन मेकअप ट्यूटोरियल से रिलेटेड वीडियो आएंगी, मैं डे फाइनल कर लूँगी, लेकिन अभी इसके बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं है कि मुझे हफ्ते में किस किस दिन को मेकअप ट्यूटोरियल वाली वीडियो लेके आनी चाहिए। आप लोग चाहो तो सजेस्ट कर सकते हो कि हफ्ते में अगर 3 वीडियो मुझे डालनी है तो मैं कौन कौन से डे पे डालूं, आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा।